आज के सेशन में हम देखेंगे कि बिग डेटा क्या है, बिग डेटा के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, किस किस डोमेन में बिग डेटा का इस्तेमाल किया जा रहा है, बिग डेटा के साथ जो टेक्नोलॉजीज हैं जो बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए चाहिए होती हैं, तो वो मेन टेक्नोलॉजीज क्या हैं और कैसे इस्तेमाल की जाती हैं, और सिमिलरली बिग डेटा के क्या कंसर्न्स हैं, क्या चैलेंजेस हैं। डेफिनेटली हम डेटा को बिग डेटा को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हर फील्ड में इसका इस्तेमाल है। जिस तरह एक कंप्यूटर का इस्तेमाल, ICT का इस्तेमाल हर डोमेन में, हर फील्ड में, इस तरह बिग डेटा का इस्तेमाल भी अभी हर डोमेन, हर फील्ड में है। तो लाजमी बात है, अगर इतना ज़्यादा इसका इस्तेमाल है तो कुछ कंसर्न्स होंगे, कुछ चैलेंजेस होंगे, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कि बिग डेटा क्या है, हम कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, क्या टेक्नोलॉजीज हैं और क्या कंसर्न्स हैं, एक एग्जांपल से स्टार्ट करूंगा। आज से सालों पहले, सैकड़ों साल पहले, जो लोग सोने के कारोबार से मुंसलिक होते थे, तो उनकी जो अर्निंग थी या उनका जो लाइफ स्टाइल था वो डिफरेंट था, वो ज़्यादा अर्न करते थे, वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते थे। और वक्त के साथ साथ जब कोयला आया, कोल जिसको हम बोलते होते हैं, तो उसका भी इस्तेमाल इतना ज़्यादा था, जो लोग कोयले से मुंसलिक थे तो वो बहुत अच्छा खासा अर्न करते थे, और इसी अर्निंग की वजह से कोयले को कहा जाता था कि ये ब्लैक गोल्ड है। तो अभी एक इरा है, अभी एक दौर है डेटा साइंस का, तो जो आज का डेटा साइंस है ये इतना यूज़फुल है, ये इतना पावरफुल है कि आज के डेटा को गोल्ड कहा जाता है। यानी कि पहले गोल्ड का बिजनेस होता था, फिर ब्लैक गोल्ड का बिजनेस आ गया, और इस वक्त जो डेटा साइंस, बिग डेटा का बिजनेस है, तो उसको कहते हैं कि ये गोल्ड का बिजनेस है। यानी द पीपल हु आर कनेक्टेड, हु आर द डेटा साइंटिस्ट, आर द बिजनेस मैन हु आर गेटिंग इनसाइट फ्रॉम द बिग डेटा, सो दे आर अर्निंग वेल, दे आर वेल सेटल्ड। और वो लोग जो बिग डेटा पे रिलाई नहीं करते, बिग डेटा को इम्पोर्टेंस नहीं करते, लाजमी बात है उनकी बिजनेस उस तरह नहीं चल सकते, वो इतना अर्न नहीं कर पाते जिस तरह वो लोग जो कि बिग डेटा पे रिलाई करते हैं या बिग डेटा पे डिपेंड करते हैं। तो बिग डेटा है क्या? अब इसके वर्ड से साफ जाहिर है कि बिग डेटा मतलब ऐसा कोई डेटा होगा जो मैसिव इन वॉल्यूम होगा, बहुत ज़्यादा डेटा होगा। यानी कि अगर हम डेटा ड्रिवन एप्लीकेशन में यूट्यूब को देखें या फेसबुक को देखें या इस किस्म के अलावा भी कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो हमारी माइंड में एक बात तो आती है कि ये डेटा बिग है, इसको हम कह सकते हैं कि ये बिग डेटा है। लेकिन पर्टिकुलरली इसकी इसकी डिफिनेशन क्या होगी, क्या कोई थ्रेशोल्ड होगा कि वो क्रॉस करने के बाद हम कहें कि ये अब बिग डेटा है, और इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने से पहले का जो डेटा था वो बिग डेटा नहीं था। कुछ साल पहले मैं एक इंटरव्यू में था, हालांकि मैं बिग डेटा का रिसर्चर हूँ, बिग डेटा का स्टूडेंट्स हूँ, बिग डेटा पे लिखता हूँ, तो मुझसे पूछा गया कि आप बिग डेटा को कैसे डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ लिमिट्स, इन टर्म्स ऑफ थ्रेशोल्ड, मतलब ऐसा कौन सा थ्रेशोल्ड है जिसको क्रॉस करने के बाद हम कहेंगे कि ये बिग डेटा है, और इस थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने से पहले हम कहेंगे कि नहीं, अभी हम इसको बिग डेटा कंसिडर नहीं करेंगे। तो मैंने तो डिफाइन किया जिस तरह बिग डेटा को डिफाइन किया जाता है, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, इन द टर्म्स ऑफ मैसिव वॉल्यूम, तो वो उससे एग्री नहीं कर पाया। वो कह रहे थे कि नहीं, हमें एग्जैक्टली बताएं कि वो कौन सा थ्रेशोल्ड है जिसको क्रॉस करने के बाद आप कहेंगे कि अब ये बिग डेटा है, कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिससे आप बिग डेटा को मेयर करते हो। सो आई वॉज वेरी कन्फ्यूज इट दैट टाइम, वाकई कन्फ्यूजन थी मेरे लिए, और मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी कि ऐसा क्या पैरामीटर्स हैं जो मैं बिग डेटा के बारे में हर वक्त पढ़ता रहता हूँ, लेकिन मेरे माइंड में तो ऐसे कोई पैरामीटर्स नहीं है, मैंने कुछ ऐसे पैरामीटर्स पढ़े भी नहीं है जो बिग डेटा को पर्टिकुलरली पैरामीटर्स वाइज या फिर कोई थ्रेशोल्ड वाइज डिफाइन करते होते हों। बहरहाल एक पैनलिस्ट, ही वाज सो काइंड, ही आस्क्ड मी अबाउट द 3 V's, उसने मुझसे पूछा कि आप 3 V's के बारे में जानते हैं जो बिग डेटा के रिलेटेड है। तो मैंने कहा कि डेफिनेटली मैं 3 V's के बारे में जानता हूँ, और फिर मैंने 3 V's के जरिए से बिग डेटा को डिफाइन किया। तो उस पैनलिस्ट ने कहा कि अफजल, दिस इज द ट्रू डिफिनेशन ऑफ द बिग डेटा, दिस इज द ट्रू थ्रेशोल्ड ऑफ द बिग डेटा। सो जब आप डेटा को डिफाइन करने लगेंगे, बिग डेटा को डिफाइन करने लगेंगे, तो 3 V's जो हैं, जो पर्टिकुलरली पहले डेटा को 3 V's से डिफाइन किया गया था,
2010 में इसको 5 V's कर दिया गया था, लेकिन मैं 3 V's जो है फर्स्ट वाले उसको उसमें बिलीव करता हूँ, उसको पढ़ाता हूँ। और उसी ये ऐसे 3 V's है जिस पे आप कह सकते हैं कि जो बिग डेटा की डेफिनेशंस है वो पूरी हो जाती है। सो व्हाट आर दीज 3 V's रिलेटेड टू द बिग डेटा? द फर्स्ट वन इज वॉल्यूम। जब हम बतौर एक स्कॉलर या स्टूडेंट ये 3 V's से वाकिफ नहीं होते, उस वक्त हम डेटा को डिफाइन बाय वॉल्यूम करते हैं कि ये डेटा वॉल्यूम में कोई बड़ा है। इसके अलावा हमारे माइंड में कोई और पैरामीटर नहीं आता। लेकिन बतौर रिसर्चर, बतौर साइंटिस्ट, बतौर डेटा साइंस एनालिस्ट, आपको पता होना चाहिए कि सिर्फ ये वॉल्यूम से रिलेटेड नहीं है कि हम सिर्फ वॉल्यूम से कन्फाइन करें कि ये जो डेटा है अगर ये सर्टेन वॉल्यूम का होगा तो हम कहेंगे कि ये बिग डेटा है। देयर आर सर्टेन अदर पैरामीटर्स। सो द सेकेंड वी इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या कहती है? वेलोसिटी कहती है कि जिस तरह फर्स्ट वी कहती है कि एक तो ये बड़ा डेटा है, ये तो हम मानते हैं कि एक बड़ा डेटा है, लेकिन सेकेंड वी कहती है कि ये जो डेटा है ये कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा है, कंटिन्यूसली जनरेट हो रहा है कोई खास स्पीड से, कोई खास वेलासिटी से। अब थोड़ा सा मैं दोबारा आपको लेके जाता हूँ जो डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस हैं, पर्टिकुलरली जो सोशल मीडियाज के हैं, आप यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि हर रोज हजारों लाखों लोग उसको यूज़ करते हैं और इतनी ही वीडियोज इस पर अपलोड्स हो रही होती हैं। फेसबुक को देखें कितने फिगर्स अपलोड हो रहे होते हैं, कितने पोस्ट अपलोड हो रहे होते हैं, कितने कमेंट्स हो रहे होते हैं, तो ये सारा मुसलसल हो रहा है, मुसलसल एक डेटा जनरेट हो रहा है, एक खास स्पीड से डेटा जनरेट हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम के साथ साथ वेलोसिटी भी ज़रूरी है, इस डेटा की जनरेशन बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि एक डेटा है और वो स्टैटिक है, साकिन है, एक जगह पे स्टोर्ड है, उसका जो साइज़ है वो नहीं बढ़ रहा। तो अगर उसका साइज़ नहीं बढ़ रहा, वो जितना भी बड़ा है, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि ये बिग डेटा है। इसकी डिफिनेशन कुछ फिजिक्स के वर्क से मिलती है कि जब हम FSC में थे और पहली दफ़ा हमने वर्क की डिफिनेशन पढ़ी, तो उस वक्त मतलब फार्मूला जो था कि आप कोई फोर्स लगाएं और साथ साथ में कोई मूवमेंट हो, या कोई आप चीज़ उठाएं और साथ साथ कोई मूवमेंट। मुझे एग्जैक्टली भी इस वक्त याद नहीं है, काफ़ी अर्सों के मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी, तो उस वक्त हम हैरान हो रहे थे कि तो हम काम कर रहे हैं, मतलब हमने कोई फोर्स लगाई हुई है, हमने कोई वजन उठाया हुआ है, लेकिन अगर हम मूव नहीं करेंगे तो हमारा जो वर्क होगा वो जीरो होगा। तो इस किस्म की डिफिनेशन बनती है कि ये कैसे कि बिग डेटा है सही लेकिन स्टैटिक है, तो हम उसको बिग डेटा नहीं कहेंगे। तो बहरहाल ये जो 3 V's हम उस पर अप्लाई करते हैं, वॉल्यूम, वेलोसिटी। सो द थर्ड वन इज द वैरायटी। वैरायटी मींस कि वो डेटा किसी खास रिलेशनल डेटाबेस या किसी खास एक वैरायटी में नहीं है, ये डिफरेंट वैरायटीज में हो सकता है, ये कोई स्ट्रक्चर डेटा नहीं होगा, ये अनस्ट्रक्चर डेटा होगा। अब दोबारा से मैं आपको जो डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस हैं, पर्टिकुलरली जो सोशल मीडिया, मैं उनकी तरफ आपको लेके जाऊंगा। अब वहां पे आप देखें कि फेसबुक पे कोई टेबल भी अपलोड की जा रही है, वहाँ पे कोई फिगर भी अपलोड की जा रही है, वहाँ पे वीडियोस भी अपलोड की जा रही हैं, टेक्स्ट अपलोड किया जा रहा है, नंबर्स अपलोड किए जा रहे हैं, और वहाँ पे जो है वो कोई पोस्ट भी लिखी जा रही है। अब देखें ये डेटा कोई खास स्ट्रक्चर नहीं है, ये सेमी स्ट्रक्चर भी नहीं है, ये तो अनस्ट्रक्चर डेटा है, जिसके माइंड में जो कुछ आ रहा है मर्जी के मुताबिक उस पर डेटा अपलोड कर रहा है। तो ये 3 basic V's है, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी, जो कि एक बिग डेटा को क्लियरली डिफाइन करती है। देयर आर 2 other V's टू वेरासिटी एंड वैल्यू, जो कि वेरासिटी और डेटा की वैल्यू इंपॉर्टेंस को डिफाइन करती है। बट आई विल सजेस्ट द 3 V's विच वी डिस्कस हियर, जी जो 3 V's हैं ये एनफ है और ये बिग डेटा को बहुत क्लियरली डिफाइंड करती है। अब देखिए, अब आपके माइंड में आ गया होगा कि बिग डेटा क्या है और बिग डेटा को हम क्लियरली डिफाइन कैसे कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि इतना मैसिव डेटा, इतना बिग डेटा जनरेट कहाँ से हो रहा है, कहाँ से लोग इतना डेटा जनरेट कर रहे हैं, किस किस्म की डिवाइसेस हैं जो इतना डेटा जनरेट हो रहा है। अब देखिए,
कि दुनिया में जो पॉपुलेशन है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, वो कोई 7.5 बिलियन है, लेकिन जो द डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड विद द इंटरनेट, दे आर 15 और 20 बिलियन डिवाइसेस, एंड समवेयर आई रेड दैट दीज डिवाइसेस आर मोर देन 30 बिलियन। और जब आप इसका फोरकास्ट देखेंगे डिवाइसेस का, तो फोरकास्ट ये कहती है कि मोर देन 15 बिलियन डिवाइसेस विल बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट अप टू 2030। और अगर आप statistic.com को देखें, वहाँ भी मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च शाये होते हैं, तो वो कहते हैं कि 75 बिलियन डिवाइसेस आर एक्सपेक्टेड टू बी कनेक्टेड अप टू 2030। आप खुद देखें, 75 बिलियन को छोड़ें, अगर 50 बिलियन डिवाइसेस भी हैं, तो इतने सारे डिवाइसेस, पॉपुलेशन 7.5 बिलियन है, डिवाइसेस जो हमारी हैं वो 50 बिलियन्स तक पहुंच रही हैं, तो डेफिनेटली एक मैसिव डेटा जनरेट होगा, सुनामी जनरेट होगा, जिसको हैंडल करना, जिसको टैकल करना बहुत मुश्किल होगा। अब ये डिवाइसेस किस किस्म के हैं, एक तो आप देखें इस वक्त अगर आप मोबाइल फोन्स पे सुन रहे हैं या टैबलेट पे सुन रहे हैं, तो ये डिवाइसेस बहुत हाई डेफिनेशन डेटा जनरेट करती हैं। आजकल के जो मोबाइल फोन्स हैं या जो कैमरास हैं, उनके जो पिक्सल्स हैं, उनकी जो क्वालिटी है, सिमिलरली उनकी जो तस्वीर है, उनका जो डेटा जनरेशन है वो बहुत हाई या बिग वॉल्यूम डेटा जनरेट करती हैं। और इसके साथ साथ स्मार्ट हाउसेस, जहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं, सेंसर्स अराउंड द वर्ल्ड फॉर द फोरकास्ट एंड थ्रेट डिटेक्शन, इस किस्म के सेंसर्स लगे हुए हैं। व्हीकुलर्स, बिग डेटा को देखें, जो व्हीकल्स हैं हमारे, ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं, एक ऑटोनोमस व्हीकल्स 4 GB डेटा पर सेकेंड जनरेट करती है। उसके जो सेंसर्स हैं, उसके लिडार, रिडार, सोनार, और उसके जो कैमराज, HD कैमराज लगे हुए हैं, तो इतना सारा डेटा जनरेट करते हैं। ये इतना सारा डेटा है कि डेफिनेटली इसको हैंडल करना, इसको टैकल करना एक सवाल बन जाता है, क्वेश्चन बन जाता है। आप जब कभी सिस्टम को यूज़ कर रहे हो या अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, तो आप देखेंगे कि कभी कभी आपका सिस्टम हैंग हो जाता है, आपका मोबाइल फ़ोन भी हैंग हो जाता है, हालांकि आप कोई ख़ास एप्लीकेशन नहीं चला रहे होते, बस आपने कोई ऐसी एप्लीकेशन चला दी जो कि एक हैवियर एप्लीकेशन है, जिस तरह आपने कोई वीडियो एडिट करना चाहिए, इसके अलावा कोई आपने एप्लीकेशन चला दी, तो आप खुद सोचें कि अगर एक सिस्टम हैंग हो जाता है 1% के एप्लीकेशन से, तो जो मिलियंस ऑफ पीपल जो कि कनेक्टेड हैं इंटरनेट से, वो उनका डेटा कैसे हैंडल होगा, उसका डेटा हम कैसे हैंडल करेंगे। तो बिग डेटा का अपना एक इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम, ये इकोसिस्टम डिफाइन करता है टेक्नोलॉजीज को, या किस किस्म के डेटा बेसिस वगैरह हैं, पूरा इकोसिस्टम डिफाइन करता है, जो कि हम टेक्नोलॉजीज को बाद में देखने वाले हैं और बहुत तफसील से देखने वाले हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हैं जो बिग डेटा को हैंडल करती हैं। लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो बिग डेटा का इकोसिस्टम है उसमें क्या क्या आता है। द फर्स्ट वन इज़ द टेक्नोलॉजी, कि बिग डेटा को हैंडल करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। ये इसकी मिसाल मैं एक ऐसी भी दे सकता हूँ कि हम कैसे हैंडल करते हैं, हम पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं, हम GPUs इस्तेमाल करते हैं, हम मल्टी कोर इस्तेमाल करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इस्तेमाल करते हैं, हम हडूप की तरफ जाते हैं, हम अपाची स्पार्क की तरफ जाते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, उस डेटा पे डेटा एनालिटिक्स की जाती है फॉर द बिजनेस इंसाइट्स। अगर आपने बिजनेस इंसाइट किसी डेटा लेने हैं डेटाबेस से, और डेटाबेस को क्यों कहते हैं कि इट इज़ द गोल्ड ऑफ डे, क्योंकि हम कुछ इंसाइट्स लेते हैं और इसी इंसाइट के बिहाफ पे हमने कुछ डिसीजन लेना होता है। तो ये जो इकोसिस्टम है उसमें क्लाउड प्रोवाइडर्स होंगे, क्योंकि जो इतना बिग डेटा है, कोई सिंगल कंप्यूटर तो उसको स्टोर करने वाला है नहीं, कोई सिंगल जो डेटा सर्वर है वो तो उसको स्टोर करने वाला नहीं है, हमें कोई ख़ास सिस्टम चाहिए होगा, कोई ख़ास इंजीनियरिंग चाहिए होगी ताकि हम इतने बड़े डेटा को हैंडल कर सकें। तो इस डेटा को एंटरप्राइज लेवल पे हैंडल किया जा सकता है, और जब आप उसको इंटरप्राइज लेवल पे हैंडल करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल नीड अ क्लाउड प्रोवाइडर्स। अब जब हम डेटा को डिस्कस कर रहे थे, बिग डेटा को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें एक वी था जो डिफाइन कर रहा था कि वेराइटी ऑफ डेटा, यानी कि जो आपका डेटा है अनस्ट्रक्चर्ड है, कोई स्ट्रक्चर डेटा नहीं है कि हम कहें कि एक हाई खास रिलेशन रिलेशनल डेटा बेस है, या फिर कोई खास टेक्स्ट में डेटा आ रहा है, या कोई खास वीडियो में डेटा आ रहा है, ये अनस्ट्रक्चर डेटा है, किसी भी वैरायटी में हो सकता है। तो हम कोई सीक्वल डेटाबेस तो यूज़ कर नहीं सकते, हम कोई रिलेशनल डेटाबेस तो यूज़ कर नहीं सकते इस डेटा को स्टोर करने के लिए,
हमें चाहिए होगा कोई नो सीक्वल डेटाबेस। यानी नो सीक्वल डेटाबेस मुराद यह है कि वो डेटाबेसेस हैं जो अनस्ट्रक्चर डेटा को सेव करती हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था कि सीक्वल डेटाबेसेस क्या होती हैं, जिस तरह आपके एक्सेल है, सीक्वल है, ओरेकल एटसेट्रा है, तो वो स्ट्रक्चर डेटा को सेव करती हैं खास रिलेशनशिप में, रिलेशनल डेटा जिसको हम बोलते हैं, खास टेबल ऑफ फॉर्मेट में उस डेटा को सेव करती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अनस्ट्रक्चर डेटा की, तो उसमें किसी किस्म का भी डेटा आ सकता है, उसमें पोस्ट आ सकती है, उसमें कोई ब्लॉग पोस्ट कोई लिख सकता है, कोई तस्वीर अपलोड कर सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। तो उस डेटा के लिए हमें कोई नो सीक्वल डेटाबेसेस चाहिए होंगे। अपाची का कैसेंड्रा बहुत मशहूर है, मोंगोडीबी बहुत मशहूर है, मैं खुद भी मोंगोडीबी प्रैक्टिस करता रहता हूँ। तो इस किस्म के डेटाबेसेस हैं। और सिमिलरली जिस तरह हम टेक्नोलॉजी की बात की, डेटाबेसेस की बात की या प्रोवाइडर्स की बात की, तो जब हम टेक्नोलॉजीज में डिस्कस करते हैं कि हम पैरेलल प्रोसेसिंग करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग करेंगे, हडूप वगैरह का यूज करेंगे, तो आपके पास कोई सर्टेन लैंग्वेजेस हैं, आपके पास कोई सर्टेन फ्रेमवर्क हैं, आपके पास कोई लाइब्रेरीज हैं जो कि आपके टास्क को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं मल्टी प्रोसेसर और ऑन मल्टीपल सर्वर्स। क्योंकि आपका डेटा, ये कोई हम कहने में तो कह देते हैं कि हमने टास्क को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है मल्टीपल प्रोसेसर और ऑन मल्टीपल सर्वर्स, लेकिन प्रैक्टिकली उसको करना, प्रैक्टिकली इसको कोड करना, प्रैक्टिकली इसको इंस्ट्रक्ट करना सिस्टम को, ये कोई आसान काम नहीं है। तो डेफिनेटली वी विल नीड सम सॉर्ट ऑफ लैंग्वेजेस, वी विल नीड सम सॉर्ट ऑफ टूल्स, जिस तरह के MPI बहुत मशहूर है, ओपन MPI बहुत मशहूर है, इसके अलावा अपाची स्पार्क एक फ्रेमवर्क भी है हडूप की तरह, लेकिन हम इसको यूज़ करते हुए कोड भी कर सकते हैं ताकि हम डेटा को, जो हमारा बिग डेटा है, उसको डिस्ट्रीब्यूटेडली प्रोसेस कर सकें। तो ये कुछ चीज़ें थीं जो कि डिफाइंड कर रही थीं कि जो बिग डेटा का इकोसिस्टम है उसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और ये चीज़ें हमें क्यों ज़रूरत हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं। और इस इकोसिस्टम के बगैर, इकोसिस्टम आप दुनिया का कहीं भी देख लें, इकोसिस्टम में जो चीज़ें इंटरकनेक्टेड हैं उनका आपस में होना बहुत ज़रूरी है। हमारे दुनिया के इकोसिस्टम देख लें कि जो एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन जनरेट करती हैं, जो प्लांट्स हैं वो जो एनिमल्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करती हैं, और जो पौधे हैं, जो प्लांट्स हैं, वो ऑक्सीजन जनरेट करते हैं। तो हम एक दूसरे के प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स हैं, तो एक इकोसिस्टम हम बना रहे हैं। तो बिग डेटा, जो बिग डेटा है, इनकी जो टेक्नोलॉजीज है, उनका जो इकोसिस्टम है, ये भी स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं। तो ये तो था इकोसिस्टम। अब थोड़ा सा देखते हैं कि जो डेटा है वो प्रोसेस कैसे होता है, या जो एक ये जो डेटा है ये इसकी जो ट्रेवलिंग होती है। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ पोस्ट किया, आपने कुछ सर्च किया, आपने कोई पैगाम भेजा, आपने कोई वीडियो अपलोड की, तो क्या होता है कि जो नेटवर्क है हमारा वो उस डेटा को क्लाउड सर्वर तक ले जाता है। क्लाउड सर्वर किसका? वो क्लाउड सर्वर जिसका प्लेटफॉर्म आप यूज़ कर रहे हैं। आप फेसबुक का यूज़ कर रहे हैं, आप यूट्यूब का यूज़ कर रहे हैं, आप ट्विटर का कर रहे हैं, लिंक्डइन का कर रहे हैं, या इसके अलावा भी कोई आप कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी कोई किसी कंपनी के कस्टमर्स हैं तो वहाँ पे आपने कुछ ऑर्डर प्लेस किया तो वो आपका डेटा जनरेट हो जाता है। नेटवर्क जो है उसको कम्युनिकेट करती है क्लाउड सर्वर्स की तरफ, और क्लाउड सर्वर्स में हम क्या करते हैं कि उस पे बिग डेटा एनालिटिक्स की टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि हम उसमें से कुछ इंसाइट ले सकें। इंसाइट से क्या मुराद है? देखिए, आपकी कंपनी है और इसकी मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, उस मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शन को रीड आउट करना, उसको समझना एक इंसान की बस की बात नहीं है। आप जितने भी इंसान लगा दें लेकिन वो इस डेटा को रीड आउट नहीं कर पाएंगे, वो इस डेटा को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर उसी डेटा को हम ग्राफिकल फॉर्मेट में डाल दें, यानी कि मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं और उस डेटा को आप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में डाल दें कि आपका जो ये प्रोडक्ट है इसकी सेल कितनी जा रही है, ये प्रोडक्ट है इसकी सेल कितनी जा रही है, जो सीजनल आपकी सेल्स हैं वो किस तरह जा रही हैं, या ज्योग्राफिकल जो आपकी सेल्स हैं वो किस तरह जा रही हैं। तो मिलियन ऑफ डेटा है बट दे आर रिप्रेजेंटेड इन अ सिंगल ग्राफ, कोई कॉलम जो है वो आपका कोई पैरामीटर शो कर रहा है, तो हम बहुत ईजिली इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो इस तरह हम इनसाइट लेते हैं इस बिग डेटा से, और जो हमारे पास इंसाइट्स आ जाती हैं
उस पर हम डिसीजन लेते हैं। अगर आपकी कोई कंपनी है, आपके पास इंसाइट्स आ गए, आपको पता चल गया कि आपके कौन से सीजनल प्रोडक्ट हैं जो बहुत अच्छे जाते हैं, कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अच्छे नहीं जाते, तो उसके मुताबिक आप सेल्स या मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बढ़ाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो है वो उसको कम करते हैं। तो ये तरीका कार है, ये तो सिर्फ मैंने बिजनेस की एक वो बता दिया कि हम किस तरह आप बिग डेटा को बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली आप देखते हैं कि हर जगह पे हम डेटा का इस तरह इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं कि बिग डेटा की एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। बिग डेटा की एप्लीकेशन से पहले आई थिंक वी शुड गो टूवर्ड द टेक्नोलॉजीज ऑफ द बिग डेटा, क्योंकि टेक्नोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है और हम इसको कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम एप्लीकेशन पे जाएंगे, एप्लीकेशन की समझ भी हमें तभी ही बेहतर आएगी अगर हम थोड़ा सा टेक्नोलॉजीज को देखते हैं कि टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं। टेक्नोलॉजीज में पहले तो मैं एक कंसेप्ट आपको देता हूँ कि बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। सिंगल सिस्टम है, आप डेटा प्रोसेस कर रहे हैं, आपने बहुत हैवी सीपीयू या कोर लगाया हुआ है, आप जितना भी उसको इंक्रीज करेंगे लेकिन एक लिमिट होगी, क्योंकि वो सिंगल प्रोसेसर है, वो बिग डेटा को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। अगर आपके किचन में एक शेफ है, वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है, आप उसको कुछ काम देते हो, हैवियर काम देते हो, तो वो चॉपिंग भी खुद कर रहा है, कटिंग भी खुद कर रहा है, पका भी खुद रहा है, मसाले भी खुद डाल रहा है, वॉशिंग भी खुद कर रहा है, तो डेफिनेटली चूंकि वो एक सिंगल पर्सन है तो उस डेटा को ठीक से प्रोसेस या टाइम लगेगा उसको उसको किसी खास डिश को प्रिपेयर करने में। लेकिन अगर वहाँ पे आप पांच शेफ को लगाते हैं, पांच बावर्ची को लगाते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि आपकी जो कुकिंग की रफ्तार है वो पाँच गुना बढ़ जाएगी। लेकिन देखें, चलो ये प्रोसेसर्स हमने लगा दिए, वो तो हमने सिंगल सिस्टम पर भी लगा दिए, तो स्पीड तो फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए, लेकिन उसकी भी एक लिमिट है। अगर आप अपने सिस्टम ये लगाते हैं तो जब तक ये तो आप हॉरिजॉन्टल स्केलिंग कर रहे हैं, यानी कि एक खास प्रोसेसर को रिप्लेस कर रहे हैं किसी दूसरे खास प्रोसेसर से, जब तक वर्टिकल स्केलिंग नहीं होगी, जो कि अनलिमिटेड स्केलिंग है, मतलब आपने एक कोई कोर लगाया, फिर सेकेंड लगाया, थर्ड लगाया, फिर फोर्थ लगाया, जैसे ही आपके पास वर्क लोड आता है उसके मुताबिक आप उसको हॉरिजॉन्टली स्केल करते हैं, जब तक वो काम नहीं करेंगे तो वो आपका काम नहीं चलने वाला। तो ये काम हम सिर्फ क्लाउड लेवल पे कर सकते हैं, इसको हम किसी सर्वर लेवल पे कर सकते हैं। तो इस किस्म की जो टेक्नोलॉजीज हैं जो इस किस्म के मामलात को हैंडल करती हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को हैंडल करती हैं, मतलब आपका कुछ डेटा एक जगह प्रोसेस हो रहा है, कुछ डेटा आपका जो है वो दूसरे सर्वर प्रोसेस हो रहा है, तो उसके लिए जो पॉपुलर टूल है जो पहले यूज़ होता था 2006 से, वो हडूप है। हडूप एक फ्रेमवर्क है जो आपके बिग डेटा को प्रोसेस करती है। इसका जो वर्किंग का स्ट्रक्चर है कि इसमें एक मास्टर नोड है, ठीक है, और बाकी जितनी भी नोड्स हैं वो क्लाइंट हैं, वो स्लेव्स हैं। मास्टर नोड वर्कलोड रिसीव करेगा, वो क्लाइंट को मैप करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है, और जो क्लाइंट हैं वो उस डेटा को प्रोसेस करते हैं और फिर रिड्यूस यानी कि वापस जो है वो मास्टर नोड की तरफ भेजते हैं। वर्क डिस्ट्रीब्यूट हुआ, प्रोसेस हुआ क्लाइंट्स की तरफ से और फिर रिड्यूस होके इंटीग्रेट होके सर्वर की तरफ वापस आ जाता है। हडूप हर डेटा के तीन रेप्लिकास बनाता है ताकि अगर एक जगह से डेटा डिलीट भी हो जाए तो हम दूसरी जगह से उसको उठा सकें, रिकवर कर सकें। हडूप बेहतर फ्रेमवर्क था, लेकिन 2009 में प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ स्पार्क का, और ये जो स्पार्क है ये बिल्ट इन मेमोरी विद इन द मेमोरी प्रोसेसिंग करता है, तो ये इसकी रीज़न है कि इसकी स्पीड जो है अबाउट 200 आई थिंक 200 टाइम फास्टर देन द हडूप है, तो ये बहुत फास्टर है हडूप से। 2014 में अपाची ने इसको ओन किया और तब से अपाची स्पार्क के नाम से चल रहा है, और जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं या जितने भी डेटा ड्रिवन एप्लीकेशंस हैं वो अपाची स्पार्क का ही इस्तेमाल करते हैं। अपाची, अगर आप बिग डेटा के स्टूडेंट हैं, बिग डेटा पे काम करते हैं, बिग डेटा के रिसर्चर्स हैं, या बिग डेटा के में इंटरेस्ट है आपका, तो अपाची एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बिग डेटा को हैंडल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्लेटफॉर्म देती है, जिसमें अपाची स्पार्क है, जिसमें काफ्का है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए,
जिसमें अपाची का सेंट्रा है जो कि नो सीक्वल डेटाबेस है। इसके अलावा भी बड़े सारे टूल्स हैं अपाची के जो कि बिग डेटा के लिए यूज हो रहे होते हैं। सो दिस वाज अबाउट द हडूप अपाची स्पार्क एंड लेट्स गो टू वर्ड द नो सीक्वल डेटाबेस। अभी मैंने आपके साथ नो सीक्वल डेटाबेस का जिक्र किया कि जो भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होगा, क्योंकि हम बिग डेटा को डिफाइन करते हैं वॉल्यूम वेलोसिटी एंड वेराइटी से। वेराइटी मीन्स कि द डेटा इज इन डिफरेंट फॉर्मेट, अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, तो हम उसको सीक्वल में, रिलेशनल डेटाबेस में तो स्टोर नहीं कर सकते। हमें कोई नो सीक्वल डेटाबेस चाहिए होगा। जब हमें नो सीक्वल डेटाबेस चाहिए होगा तो इसके लिए कैसेंट्रा अपाची का यूज़ होता है, मोंगो डीबी पॉपुलरली यूज़ होता है, मैं खुद भी मोंगो डीबी पे काम करता होता हूँ। तो ये टूल्स हैं जो आपके डेटाबेस को हैंडल कर रहे होते हैं। सिमिलरली डेटा वेयर हाउस हमें चाहिए होंगे, ऐसी लोकेशंस, ऐसी वहाँ पर टेक्नोलॉजी जो डेटा को स्टोर कर सकें, जो डेटा को रिट्रीव कर सकें, और जो डेटा को, अगर फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने अभी हडूप की बात की कि वो डेटा को कितनी रेप्लिकास बनाता है, ताकि अगर एक जगह से हमारा डेटा डिलीट होता है या अगर एक जगह से हमारा डेटा करप्ट होता है तो हम उसको दूसरी जगह से रिकवर कर सकें। तो ये जो डेटा वेयर हाउस है तो इन सारे मामलों को डील करती होती है। मशीन लर्निंग बिग डेटा के साथ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अगर हम कहते हैं कि बिग डेटा गोल्ड है, तो वाई दिस इज कॉल्ड बिग डेटा इज कॉल्ड अ गोल्ड। हम क्या इससे फायदा ले रहे हैं, क्या इंसाइट हम इससे ले रहे हैं? तो वो हम तब ले सकते हैं अगर हम मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारे पास बिग डेटा है, हम मशीन लर्निंग का इस्तेमाल नहीं करते, डेफिनेटली उस बिग डेटा को कोई फायदा होने वाला नहीं है। हम कोई इंसाइट उससे लेने वाले नहीं है, हम कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन उससे लेने वाले नहीं है, तो बिग डेटा को कोई खास हमें फायदा होने वाला नहीं है। सिमिलरली देयर आर द डेटा इंटीग्रेशन टूल्स, यानी कि जब आप डेटा को डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इकट्ठा करते हैं और फिर इंटीग्रेट करते हैं, तो इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के इंटीग्रेशन टूल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अभी जब मैंने अपाची का जिक्र किया तो मैंने अपाची का जिक्र किया था एक काफका का, यानी लाइव स्ट्रीमिंग का। लाइव स्ट्रीमिंग आप देख रहे हैं कि कितना पॉपुलर है, हम कितने लाइव वीडियो स्ट्रीम करते रहते हैं, हम वीडियो कॉल्स पे बात करते हैं, हम यूट्यूब स्ट्रीम की बात कर सकते हैं, फेसबुक स्ट्रीम की बात कर सकते हैं, कोई मीटिंग्स की जो स्ट्रीम्स हो रही होती हैं, कोई चैनल्स की स्ट्रीम्स हो रही होती हैं, तो स्ट्रीम वाकई बहुत बिग डेटा जनरेट करती है और बिग डेटा जो है वो कंज्यूम भी हो रहा होता है। तो उस बिग डेटा को, जो लाइव स्ट्रीमिंग का बिग डेटा है, इसको हैंडल करना, इसकी डिफरेंट जो रिक्वायरमेंट है, डेफिनेटली एक डेटा स्टोर है उसको डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं, लेकिन एक डेटा है जिसको आप लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं तो इसकी जो रिक्वायरमेंट्स होंगी डिफरेंट होंगी। तो इसको हैंडल करना वाकई डेफिनेटली थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, और इसके लिए भी कुछ टूल्स होंगे, जिस तरह अपाची काफका है जो कि लाइव स्ट्रीमिंग को हैंडल करता है। इसके अलावा भी इसके कुछ टूल्स हैं, लेकिन काफका जो है पर्टिकुलरली यूज होता है। डेटा विजुअलाइजेशंस ऐसे टूल्स जो आपके डेटा से इंसाइट ले सकें और उसको विजुअलाइज कर सकें, जो विजुअल डेटा है हम ह्यूमन बीइंग उसको बेहतर समझ सकते हैं, बेहतर अंदाज में उसको इंटरप्ट कर सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसे टूल्स चाहिए जो डेटा को विजुअलाइज कर सकें। जहाँ पे बिग डेटा है वहाँ पे बिग डेटा के साथ सिक्योरिटी इश्यूज हैं, वहाँ पे प्राइवेसी इश्यूज हैं, वहाँ पे कोई थ्रेट्स हैं साइबर अटैक्स के, तो हम अपने डेटा को हर सूरत कोशिश करते हैं कि हम बचाएं अपने डेटा को इस किस्म के अटैक से। तो कैसे बचा सकते हैं? इसका एक ही तरीका है कि हम अपने डेटा के लिए कोई ख़ास फ्रेमवर्क वाजा करें कि हम इस डेटा को इस ख़ास फ्रेमवर्क में महफूज करेंगे या रखेंगे, क्योंकि खास तरीका कार होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज आप इसको जानते होंगे, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं डेटा सिक्योरिटी के हवाले से। ये इसलिए भी मशहूर है क्योंकि बिटकॉइन जो है, या इस किस्म की जो करेंसीज हैं, जो डिजिटल करेंसीज हैं, वो बिटकॉइन टेक्नोलॉजीज का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और ये डेटा को बहुत ज़्यादा सिक्योर भी बनाती हैं। एज कंप्यूटिंग आजकल पॉपुलरली यूज़ हो रहा है और आजकल ज़रूरत भी है। इसकी एक एग्जांपल अगर मैं दूं आपको कि फॉर एग्जांपल एक इंस्टीट्यूशन है, उसमें हंड्रेड्स कैमराज लगे हुए हैं, वो है HD कैमराज हैं, डेटा जनरेट कर रहे हैं। अब वो डेटा हमें तब ज़रूरत होगा क्लाउड पे सेंड करने के लिए, पर्टिकुलरली MP कार्ड्स,
जब वो कोई मूवमेंट डिटेक्ट हो, जब कोई सस्पिशियस थिंग डिटेक्ट हो, जब कोई वार्निंग एक्सेट्रा हो। इसके अलावा हमें उस डेटा को कम से कम पीक आवर्स में क्लाउड पे ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सारी इस किस्म का डेटा पीक आवर्स में ट्रांसफर होना शुरू हो गया क्लाउड पे, जिस तरह हम देखते हैं, तो जो 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 हमारा नेटवर्क है वो ओवरलोड होगा, कंजेशंस होगी, और जो नेटवर्क है वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगा। पर्टिकुलरली वो एप्लीकेशन जो रियल टाइम एप्लीकेशंस हैं, जिस तरह हेल्थ केयर की एप्लीकेशंस हैं, जिस तरह वेकुलर डेटा है, वेकुलर्स की जो रियल टाइम कम्युनिकेशन है, या उनको जो रियल टाइम कम्युनिकेशन चाहिए होती है, रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो वो जो है मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो बजाय इसके कि इस किस्म का डेटा हम डायरेक्टली क्लाउड पे भेजें, हम एच पे प्रोसेस करें, और जब रिक्वायर होगा उसके बाद ही हम उसको क्लाउड पे भेजें। तो क्लाउड कंप्यूटिंग है, और जहाँ पे बिग डेटा का जिक्र हो वहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग का जिक्र ना हो, ये तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग ही है जो कि बिग डेटा को हैंडल करती है। बिग डेटा को हैंडल के लिए करने के लिए बाकी बड़ी सारी टेक्नोलॉजीज हैं। हाँ, जो जो क्लाउड है वो पर्टिकुलरली खुद तो टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बिग डेटा को हैंडल करती है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, ये डेटा जो हमारे मोबाइल फोन से जनरेट होता है, सेंसर्स जनरेट करते हैं, ऑटोनॉमस व्हीकल्स जनरेट करते हैं, स्मार्ट सिटीज जनरेट करते हैं, बहुत दूसरे डोमेन्स हैं ये जो डेटा जनरेट करते हैं। तो उस डेटा को किसी क्लाउड तक पहुँचाने के लिए लाजमी बात है कोई हमें प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। तो ये 4G का हो सकता है, 5G का हो सकता है, ये कोई सेटेलाइट का इंटरनेट हो सकता है, ये कोई लैंड लाइन एक्सेट्रा हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें कोई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी चाहिए जो इस डेटा को उठाए और उसको क्लाउड पे या कि रीजनल सर्वर पे पहुँचाए, कम्युनिकेट करवाए। सो दिस वॉज the technologies which are particularly used for the big data processing, big data storing, or any related task which we can do on the big data. The next thing is potential concerns. देखो big data को हमने defined किया कि big data कितना popular है, big data कितना useful है, big data हमारी जिंदगी को किस तरह change कर रहा है, या फिर बिग डेटा को हमने कहा कि इट इज़ द गोल्ड, जिस तरह एक सोने का बिजनेस हुआ करता था और लोग सोने के बिजनेस में इन्वॉल्व हुआ करते थे, तो आज हम कहते हैं कि जो आज का बिजनेस है बिग डेटा का, वो बिग डेटा है। जो गोल्ड के रिलेटेड कोई बिजनेस अगर है तो वो बिग डेटा है। तो अगर बिग डेटा के इतने सारे फायदे हैं, तो डेफिनेटली बिग डेटा के कुछ नुकसान होंगे, बिग डेटा के कुछ कंसर्न्स होंगे, बिग डेटा के कुछ चैलेंजेस भी होंगे। तो वो क्या चैलेंजेस हैं, चलो एक एक करके हम देखते हैं कि वो क्या चैलेंजेस हैं जो बिग डेटा के साथ हैं। सबसे पहली बात जो बिग डेटा के लिहाज से आती है वो ये है कि हमने पहले डिस्कस किया था कि जो आजकल के जो डिवाइसेस हैं वो बहुत मैसिव डेटा जनरेट करती हैं। आप अपने मोबाइल फ़ोन को देखिए, इसके जो कैमराज हैं, हाई डिफिनेशन वीडियो रिकॉर्ड करना, स्ट्रीम करना, जो इसके फ़ोटोज़ हैं वो हाई डिफिनेशन हैं। तो ये सारा डेटा जब नेटवर्क क्लाउड की तरफ आएगा तो लाजमी बात है नेटवर्क कंजेस्ट होगा। तो बिग डेटा क्या करती है, नेटवर्क को कंजेस्ट करती है, पर्टिकुलरली उन एप्लीकेशन के लिए नेटवर्क को अनरिलायबल बनाती है जो रियल टाइम रिस्पांस जिसको चाहिए होता है। हेल्थ केयर के देखें, हेल्थ केयर में आपको रियल टाइम रिस्पांस चाहिए होता है। अगर कोई पेशेंट है, कोई डॉक्टर उसको देख कर रहा है रिमोटली या फिर ऑपरेट कर रहा है, तो डेफिनेटली आपको रियल टाइम रिस्पांस चाहिए होगा। या फिर कोई ऑटोनॉमस व्हीकल है जो कि रोड पे ट्रेवल कर रही है, तो वहाँ पे भी आपको अगर क्लाउड से कोई रिस्पांस चाहिए तो रियल टाइम में चाहिए। तो अगर नेटवर्क इतना ज़्यादा कंजेस्ट होगा, पर्टिकुलरली जब हम पीक आवर्स में देखते हैं कि हम कोई लाइव स्ट्रीम नहीं कर पा रहे होते, हम अपने दोस्तों या अपने रिलेटिव से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, तो इस किस्म के रियल टाइम एप्लीकेशंस कैसे चल सकते हैं, डेफिनेटली नहीं चल पाएंगे, या फिर वो नेटवर्क को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। द सेकेंड थिंग इज़, जिस तरह मैंने पहले बात की थी कि हमें बिग डेटा के लिए क्लाउड प्रोवाइडर्स चाहिए होते हैं, हमें कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, कोई पर्टिकुलर हार्डवेयर चाहिए होते हैं, तो ये सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर हर बंदे की बस की बात नहीं है कि वो उसको परचेज करे, या किसी आम ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है कि वो उसको परचेज करे और रन करे। तो डेफिनेटली वो कोई ख़ास पर्टिकुलरली
क्लाउड प्रोवाइडर्स की तरफ जाएगा। और आप देखते हैं कि हमारे जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हमारी गवर्नमेंट के इनफैक्ट कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो कि अपने सर्वर्स अफोर्ड तक नहीं कर पाते, तो वो क्या करती हैं कि वो माइग्रेट करती हैं क्लाउड प्रोवाइडर्स की तरफ, क्योंकि मसला आ रहा होता है हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, और साथ साथ में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए कोई एक्सपर्ट्स बंदे चाहिए होते हैं। तो बजाय इसके कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई गवर्नमेंट अपना कोई क्लाउड बनाए, अपने एक्सपर्ट्स रखे, तो वो क्या करते हैं, वो क्लाउड प्रोवाइडर्स की तरफ जाते हैं। तो ये कुछ कंसर्न्स हैं, दे डेफिनेटली हमें कोई हल तो मिल रहा है क्लाउड से, लेकिन कंसर्न्स हैं, आपका डेटा वहाँ पे जा रहा है, आपका डेटा आप अपनी क्लाउड पे नहीं रख पा रहे, तो ये लीड करती हैं प्राइवेसी इश्यूज को, ये लीड करती हैं सिक्योरिटी इश्यूज को। आप अक्सर देखते हैं कि सोशल मीडिया पे हम कभी सुन रहे होते हैं कि फलाने का डेटा, फलाने की तस्वीर लीक हो गई, फलाने की वीडियो लीक हो गई है, वॉइसेस या आजूज या कॉल, इस किस्म की उनकी प्राइवेसी नहीं रहती। तो बिग डेटा इस किस्म की प्राइवेसी भी, प्राइवेसी के भी इश्यूज बनाता है, सिक्योरिटी के भी इश्यूज बन सकते हैं। यानी कि आप स्मार्ट होम में रह रहे हैं, कैमराज इंस्टॉल्ड हैं, तो वो कैमराज नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं, कोई भी साइबर अटैकर उसको अटैक कर सकता है और वो डेटा चुरा सकता है, वो आपको मॉनिटर कर सकता है। 2014 में जब पाकिस्तान में कैमरास इंस्टॉल हुए सारे स्कूलों में और उनको लिंक किया गया था पुलिस इंटीग्रेटेड ऑफिस के साथ, तो वो वहाँ से मॉनिटर करते थे, मुझे उस वक्त कंसर्न था और मैंने लिखा भी कि ये काम ठीक नहीं है। उसके बड़े सारे रीजंस हैं, एक रीज़न तो ये है कि ये सिक्योर नहीं है, ये जो हम डेटा को शेयर कर रहे हैं हर इदारे का, हर इदारे में 4, 18 या फिर 16 कैमराज हैं जो कि पूरी इदारे को कवर कर रही हैं, तो आप सिंपल से पासवर्ड के साथ या सिंपल के लिंक के साथ उसको शेयर कर रहे हो, तो ये जो लिंक है ये तो कोई और तक इसकी एक्सेस हो सकती है, जो सिंपल से पासवर्ड है किसी की भी इस तक एक्सेस हो सकती है, तो ये तो टेररिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वो आप कैमराज इंस्टॉल कर रहे हैं बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए, बच्चों को सिक्योरिटी देने के लिए, लेकिन जो आप इंस्टॉल कर रहे हैं उसको गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, और ये जो कि प्रोटेक्शन के लिए आपने लगाए हैं आपके सिक्योरिटी थ्रेट्स बन सकते हैं। तो इस किस्म के प्राइवेसी या सिक्योरिटी इश्यूज हैं जो इसके साथ मुंसलिक हैं। बिग डेटा, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यही AI मशीन लर्निंग क्या करती है, आपके डेटा को वैल्यूएबल बनाती है। अब अगर मशीन लर्निंग जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं वो बायस्ड हैं किसी वजह से भी, जिस तरह बायसनेस एल्गोरिदम्स में पाई जाती है, तो वो एक गलत किस्म के इंसाइट्स दे सकते हैं, और ये जो गलत किस्म के इंसाइट्स होती हैं तो गलत किस्म के डिसीजन को भी लीड कर सकते हैं। ये डेटा मिसयूज हो सकता है, आपका अपना डेटा है, आपके तस्वीर हैं, आपके घर में कोई कैमराज हैं, आपके घर में कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं, तो ये सब कुछ मिसयूज हो सकता है क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे मौजूद हैं। और एक बहुत बड़ा मसला जो मैं बिग डेटा के साथ देखता हूँ या इंटरनेट के साथ देखता हूँ वो ये है कि एक 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 मुल्क जो है उसके साइबर रूल्स डिफरेंट हैं, लेकिन जब आप दूसरे मुल्क ट्रेवल करते हैं या दूसरे मुल्क के साइबर रूल्स उठाते हैं तो उनके साइबर रूल्स डिफरेंट हैं। यहाँ पे आप कोई काम कर रहे हैं तो वो लीगल है, लेकिन जैसे आप कोई दूसरे मुल्क में ट्रैवल करते हैं तो वो लीगल हो जाता है। तो आपने एक लीगल काम किया लेकिन दूसरे मुल्क आपने ट्रैवल किया तो वहाँ पे वो इलीगल सवर होता है, और आप मुख्तलिफ किस्म के जुडिशियल या लेजिस्लेशन की तरफ जा सकते हैं जो कि ठीक नहीं है, जो कि एक प्रॉब्लम है, जो कि एक मसला है। तो हमें एक किस्म की लेजिस्लेशन, एक किस्म के रूल्स या साइबर रूल्स चाहिए होंगे जिसको पूरी दुनिया में इम्प्लीमेंट किया जा सकते हैं। बिग डेटा के साथ एक्यूरेसी का तो बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि अगर अगर एक मोमेंट के लिए भी हम देखें नेटवर्क को या फिर सोशल मीडिया को, हर कोई यूज़ कर रहा है, हर कोई जो है वो इसके साथ कनेक्टेड है, तो हमें श्योर नहीं है कि क्या जो ये डेटा है जो यूज़ हो रहा है ये एक्यूरेट है या नहीं है। और सर्टेन टाइम तो हम देखते हैं कि जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है, बहुत ज़्यादा गलत प्रिडिक्शंस के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अक्सर हम देखते होते हैं, अक्सर इस किस्म के एक्सपीरियंसेस हमारे हो सकते हैं। तो ये कुछ थे इश्यूज या कंसर्न्स जो हैं वो बिग डेटा के साथ। लेकिन
जो कंसर्न्स हैं उसका मतलब ये नहीं है कि हम बिग डेटा को यूज ना करें, बिग डेटा की तरफ हम जाए नहीं। बिग डेटा को हमने यूज करना है, लेकिन हमने कुछ इस अंदाज से यूज करना है ताकि हम खुद प्रोटेक्ट रहें, हमारी प्राइवेसी जो है वो प्रोटेक्ट रहे, और जहाँ पे हम बिग डेटा को यूज कर रहे हैं जो इंसाइट्स आ रहे हैं हम उनको वेरीफाई करें कि ये इंसाइट्स ठीक है, फिर उसके बिहाफ पे हम कोई डिसीजन करें। और ये लाजमी बनाएं कि जो भी हमारा डेटा है, जिधर भी हमारा डेटा है, वो ट्रूली प्रोटेक्टेड है और कोई इलीगल एक्सेस जो है वो बिग डेटा तक नहीं है। चलो अब चलते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि बिग डेटा की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे हैं। जिस तरह कंप्यूटर हर डोमेन का हिस्सा है, जिस तरह आईसीटी इंफॉर्मेशन कंप्यूटेशनल टेक्नोलॉजीज हर फील्ड का हिस्सा है, कोई भी फील्ड आप उठाएं वो कंप्यूटर के बगैर या आईसीटी के बगैर नहीं चल सकता। इसी तरह कोई भी डोमेन आप उठाएं ना, वो डोमेन नहीं है आईसीटी के बगैर नहीं है। सिमिलरली अब जो बिग डेटा है, अब वो हर डोमेन का हिस्सा है, जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी डोमेन है, वो कुछ ना कुछ डेटा तो जनरेट कर रहा है। तो वो जो डेटा जनरेट हो रहा है उसको हम लेटरली यूज करते हैं, पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज करते हैं, इंसाइट्स के लिए, विजुलाइजेशन के लिए यूज करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की प्रिडिक्शंस या डिसीजन लेने के लिए यूज करते होते हैं। तो ये सारा कुछ जो है जाहिर करता है कि बिग डेटा जो है वो हर जगह पे है। ये एक लिस्ट आपको नजर आ रही होगी, ये लिस्ट कोई करेक्ट या एक्यूरेट लिस्ट नहीं है, बस इस वक्त का जो लिटरेचर है जो मैंने कलेक्ट किया, मैंने इस पर पेपर पब्लिश किया, तो मैंने कुछ इसको कैटेगराइज किया। ये आप देख रहे हैं कि इसको हम डिटेल से आगे फर्दर देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज हुआ है, बस एक लिस्ट देख लें कि कौन कौन से हैं। तो देखिए, हम स्मार्ट सिटीज में इसको यूज करते हैं, एजुकेशन में यूज करते हैं, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट है वहाँ पे भी बिग डेटा यूज हो रहा है, क्लाइमेट और अर्थ साइंस में हम इसको यूज करते हैं, आप देख रहे हैं कि सप्लाई चेन और ट्रांसपोर्ट पे हम बिग डेटा को यूज कर रहे हैं, मार्केटिंग और एडवर्टीजमेंट में हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह इंडस्ट्री में जो है वो बिग डेटा यूज हो रहा है, आप देखें साइबर सिक्योरिटी है और हेल्थ केयर है, यहाँ पे आप देखें कि बिग डेटा यूज हो रहा है। ये सिर्फ मैंने सिर्फ कैटेगराइज करने की कोशिश किया, ये जाहिर नहीं करता कि अगर कोई फील्ड रह गई है या कोई डोमेन रह गई है वहाँ पे बिग डेटा नहीं है, तो ऐसा नहीं है, बिग डेटा हर जगह पे है। अब थोड़ा सा हेल्थ केयर की तरफ देखते हैं कि हेल्थ केयर में किस किस्म का रिकॉर्ड जनरेट होता है, पेशेंट का रिकॉर्ड है, इसके अलावा जो डिसीजेज हैं, जो डिसीजेज का रिकॉर्ड स्टोर हो रहा होता है तो वो रिकॉर्ड है, फार्मेसी के रिकॉर्ड्स हैं कि जो उनके मेडिसिन के जो किसी पेशेंट्स पे इफेक्ट्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो सारा डेटा सेव हो रहा है। और इसके अलावा जो मेडिकल डिवाइसेस हैं वो डेटा सेव हो रहा है, और जो टेली हेल्थ केयर है, एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है, बजाय इसके कि हम डॉक्टर को विजिट करें, हम रिमोटली डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं, तो इस किस्म का जो डेटा, ये सारा डेटा जनरेट हो रहा होता है। और इसी डेटा को हम बार बार फिर इंसाइट्स के लिए, पर्टिकुलर डिसीजन के लिए हम उसको यूज़ भी कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल मैं एक ये देना चाहूँगा कि कुछ अर्सा पहले या फिर इस वक्त भी जो कि हर डॉक्टर के भी बिग डेटा तक रसाई नहीं है, या वो एआई को यूज़ नहीं कर सकते, बिग डेटा पे बिग डेटा को भी यूज़ नहीं कर सकते, तो हम कहते होते थे या भी हम कहते हैं कि हम किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाते हैं, या आपको कोई मशवरा देता है कि आप किसी एक्सपीरियंस डॉक्टर से चेक करवाएं। एक्सपीरियंस डॉक्टर से क्या मुराद है? एक्सपीरियंस डॉक्टर से मुराद ये कि वो असल में आपको कह रहे होते हैं कि आपने उस डॉक्टर से चेक करवाना है जिसके माइंड में नंबर ऑफ पेशेंट्स का जो रिकॉर्ड है वो ज़्यादा है, क्योंकि उसने ज़्यादा पेशेंट्स को चेक किया हुआ है, तो उसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़्यादा है, और वो उसी एक्सपीरियंस के बिहाफ पे कोई डिसीजन लेगा और वो करेक्ट डिसीजन होगा क्योंकि उसका डेटा सेट ज़्यादा है। लेकिन एक इंसान कितने मरीजों को चेक कर सकता है और उसके माइंड में कितने डेटा सेट्स हो सकते हैं? पूरी दुनिया में जो पेशेंट्स चेक हो रहे हैं उनका एक रैकेट बन रहा है, उस रैकेट को बार बार मॉडिफाई किया जा रहा है, उस डेटा को बार बार किसी मशीन लर्निंग मॉडल से रीड आउट किया जा रहा है, पर्टिकुलर इंसाइट के लिए, पर्टिकुलर डिसीज रिकग्निशन के लिए, या फिर किसी और डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो एक ट्रू करेक्ट डेटा पड़ा है। तो एक अगर नया डॉक्टर है और वो उसको डायग्नोस करने में कोई इश्यूज आ रहे हैं या वो पूरे डायग्नोस को कंफर्म करना चाह रहा है, तो वो एक बहुत वाइड सेट रखता है डेटा का, उसी डेटा सेट को इस्तेमाल करते हुए वो डायग्नोस कर सकता है।
तो ये देख रहे हैं कि किस किस्म का जो बिग डेटा है उसको हम हेल्थ केयर में यूज कर रहे हैं, और किस तरह ये बिग डेटा जो है वो हेल्थ केयर को, हेल्थ के जो सिस्टम को, इसको किस अंदाज से रिवोल्यूशनाइज कर रहा है। एक किस्म का आप कह सकते हैं कि वहाँ पे इनकलाब आ रहा है। लॉजिस्टिक में आप देख रहे हैं कि लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट, ये वैसे तो अलग अलग इसका पोर्शन होना चाहिए था। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट को मैंने एक जगह पे कर दिया है। थोड़ा सा ट्रांसपोर्ट की तरफ चले जाएं, थोड़ा सा व्हीकल की तरफ चले जाएं, और व्हीकल में ऑटोनॉमस व्हीकल्स को आप देख लें कि जो ऑटोनॉमस व्हीकल्स हैं, जो बगैर ड्राइवर की गाड़ियाँ हैं, वो क्या करती हैं, उनमें इतने ज़्यादा सेंसर्स लगे हुए हैं, उनमें हाई डेफिनेशन कैमराज लगे हुए हैं, उसमें लिडार, रिडार, सोनार किस्म के डिटेक्टर्स लगे हुए, तो वो इतना ज़्यादा डेटा जनरेट करते हैं कि वो एक सेकंड में 4 GB डेटा जनरेट करते हैं, और एक दिन में वो 1 TB तक डेटा जनरेट कर सकते हैं। इतना ज़्यादा डेटा जनरेट होता है जो ऑटोनॉमस व्हीकल्स करती हैं, और इसी डेटा को जब जो यही डेटा होता है जो इस व्हीकल को नेविगेट करती हैं, ड्राइव करती हैं। तो एक डेटा पे जो एक दफ़ा व्हीकल ड्राइव हुई, नेविगेट हुई, वो डेटा एक दूसरे मॉडल को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल होता है, या फिर इसी मॉडल को जो है वो बार बार अपडेट या फिर मॉडरेट करता होता है। तो आप देखते हैं कि इस तरह एक किस्म की रिवोल्यूशनाइजेशन इसमें आ रही है। आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप मैप से, बिग डेटा ही होता है वो भी, आप डायमेंशन डायरेक्शंस लेते हैं, वो आपको डायरेक्शन भी बताता है और साथ साथ ये भी बताता है कि कहाँ पे कंजेशन है या नहीं है, और अगर कोई पर्टिकुलर रूट है दूसरा तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉजिस्टिक में इसका इस तरह इस्तेमाल है, आपने कोई चीज़ डिस्पेच की, आपने कोई चीज़ भेज दी, आपके पास मैसेज आ जाता है, आपके पास लिंक आ जाती है, तो उसी लिंक को यूज़ करते हुए आप देखते हैं कि आपकी आपका जो प्रोडक्ट है कहाँ पर पहुँचा है, डिलीवर हुआ है या फिर नहीं हुआ। तो ये देखें कि जो व्हीकल्स हैं, ऑटोनॉमस व्हीकल्स हैं, क्या लॉजिस्टिक है या ट्रांसपोर्ट है, आप देखें कि किस तरीके से चेंज हो रहा है, किस किस्म कि जो अप्रोच है वो चेंज हो रही है। मार्केटिंग पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम बिग डेटा को डिस्कस करते हैं तो जो फर्स्ट माइंड हमारे जहन में आती है वो मार्केटिंग है। मार्केटिंग इसलिए हमारे जहन में आती है क्योंकि जब हम यूट्यूब का इस्तेमाल करते हैं, हमने कुछ सर्च किया तो यूट्यूब हमें रिलेटेड एडवर्टीजमेंट शो कराता है, या रिलेटेड जो कंटेंट है वो हमें शो करा रहा होता है। या अगर आपने किसी क्रोम पर भी कोई चीज़ सर्च की तो आप देख रहे होंगे कि अगर आप उसी क्रोम पर आप कोई और चीज़ खोलते हैं या एप्लीकेशंस खोलते हैं तो जो रिलेटेड एडवर्टीजमेंट होगी वो साथ साथ चल रही होती है। आपने कोई कीवर्ड सर्च किया और रिलेटेड जो एडवर्टीजमेंट है वो चलना शुरू हो जाती है। तो ये बिग डेटा ही है जो जो कि कोई बिजनेस इसको यूज़ कर रहा होता है, कोई ख़ास किस्म के एनालिटिक्स उसको यूज़ कर रहे होते हैं कि वो एक ट्रू कस्टमर तक पहुँचे, एक करेक्ट कस्टमर तक पहुँचे। तो इसको यूज़ किया जाता है कि हम कस्टमर्स तक पहुँचें। तो एडवर्टीजमेंट में यूज़ हो रही होती है, मार्केटिंग में यूज़ करते हैं, हम वेब एनालिसिस करते हैं, और जो हमारी सेल्स और रेवेन्यू है हम वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट सिटीज़ बहुत पॉपुलर है, और एकेडेमिया और मार्केट दोनों के लिए जो स्मार्ट सिटीज़ हैं एक हॉट टॉपिक है। बहुत ज़्यादा लोग रिसर्च करते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट में इसके लिए जो डिवाइसेस हैं, स्मार्ट अप्लाइंसेस हैं, वो डेवलप हो रहे होते हैं। तो एक स्मार्ट सिटी का मतलब यह है कि वहाँ पे एजुकेशन भी स्मार्ट है, वहाँ पे ट्रांसपोर्ट भी स्मार्ट है, वहाँ पे हेल्थ केयर भी स्मार्ट है, जो होम्स हैं वो भी स्मार्ट है, वहाँ पे जो डिवाइसेस हैं, सिक्योरिटी सिस्टम है, या फिर जो इलेक्ट्रिकल या दूसरे अप्लाइंसेस हैं, वो सारे इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो एक बिग डेटा जनरेट हो रहा होता है। तो इस बिग डेटा को हम यूज़ करते होते हैं सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। गवर्नमेंट, स्मार्ट गवर्नमेंट जो है, बजाय इसके कि हम फिज़िकली विज़िट करें किसी गवर्नमेंट ऑफिस को, हम स्मार्टली किसी एप्लीकेशन के थ्रू उसके साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं। और इस सिमिलरली ये सेम डेटा होता है जिसको हम सस्टेनेबिलिटी और एनर्जी के लिए भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मीडिया, ये सिर्फ टेलीविज़न को डिस्कस नहीं करता, इसमें लाइव स्ट्रीमिंग देखें, इसमें सोशल मीडिया देखें, कंटेंट है, बिग डेटा को पढ़ा जाता है और उसके बाद ही कंटेंट बनाया जाता है। लाजमी बात है, जब भी कोई वीडियो बनती है या जब भी कोई एक प्रोग्राम रिकॉर्ड होता है तो लोग एनालिसिस करते हैं कि पीपल सर्च क्या कर रहे हैं, लोगों को किस चीज़ की तलाश है। तो लोगों को जिस चीज़ की तलाश होती है तो इस किस्म का कंटेंट, इस किस्म का प्रोग्राम बनाने की कोशिश करती है।
तो जो आप लोगों का डेटा है, जो हमारा डेटा है, जो हमारे सर्चिंग की हिस्ट्रीज वगैरह है, तो इस किस्म का डेटा का एनालिसिस किया जाता है। जो डेटा स्ट्रीमिंग है, ऑनलाइन डेटा स्ट्रीमिंग है, उसमें बिग डेटा का यूज़ हो रहा होता है। मोनेटाइजेशन का बिग डेटा है, सिमिलरली इसी डेटा को हम रिसर्च पर्पज़ के लिए या फिर एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। साइबर सिक्योरिटी, जहाँ जहाँ पे डेटा है वहाँ वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी है। बिग डेटा चूंकि हर जगह पे है, तो साइबर सिक्योरिटी हर जगह पे है। जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स है वो भी हर जगह पे मौजूद है। तो बिग डेटा जहाँ पे एक थ्रेट भी है हमारी प्राइवेसी के लिए, हमारी सिक्योरिटी के लिए, लेकिन ये हमारे जो थ्रेट डिटेक्शन या थ्रेट इंटेलिजेंस है उसमें भी हमारी हेल्प करती है। तो थ्रेट इंटेलिजेंस को हम यूज़ करते हैं क्लाउड सिक्योरिटी में, हम यूज़ करते होते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी में, एज और आई टी में भी इस्तेमाल करते होते हैं। इसी तरह अगर कोई एप्लीकेशंस है या डेटा है तो उसके सिक्योरिटी में भी हम क्या करते होते हैं, हम बिग डेटा का इस्तेमाल करते होते हैं। अब थोड़ा सा चलते हैं अर्थ के बारे में, अर्थ साइंसेस के बारे में या क्लाइमेट के बारे में। हमारी दुनिया के इर्द गिर्द थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सेंसर्स होंगे जो कि इसको देख रहे हैं, जो कि फोरकास्ट कर रही हैं वेदर के बारे में, या फिर किसी किस्म के थ्रेट डिटेक्शन या फिर किसी किस्म के वार्निंग के लिए यूज़ किया जाता है। सिमिलरली जो जियो इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस है या जो हमारे जियो इंफॉर्मेशन सेटेलाइट्स हैं, वो भी हाई डेफिनेशन वीडियोस जनरेट करती हैं, हाई डेफिनेशन जो है वो इमेजेस जनरेट करती हैं, और इसी इमेजेस पे, इसी वीडियोस के बिहाफ पे, या जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेस हैं, इसी सेंसेस के बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि कोई जो वेदर फोरकास्ट है उसको हम देखते हैं, या फिर किसी किस्म के अगर कोई थ्रेट है, या फिर किसी किस्म की कोई डिजास्टर या इमरजेंसी वार्निंग्स हैं, तो वो हम इशू करते हैं। तो ये किसके बिहाफ पे हो रहा है, ये बिग डेटा की बिहाफ पे हो रहा है। तो जियो स्पेशल एनालिसिस और मैपिंग इसमें आ जाती है, ओशनग्राफी है, डिजास्टर प्रोडिक्शंस है, ग्लेशियर्स का डेटा है, या फिर जो पोलर्स हमारी स्टडी है वो इसमें आ जाती है। इसके अलावा एटमोस्फेरिक साइंसेस है जहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। एजुकेशन, लाजमी बात है हर जगह पे बिग डेटा का इस्तेमाल है। तो एजुकेशन में भी बिग डेटा को मैसिवली यूज़ किया जाता है। हेल्थ केयर में हमने देखा कि टेली हेल्थ है, बजाय इसके कि हम फिजिकली विजिट करें किसी डॉक्टर को, हम क्या करते हैं कि हम ऑनलाइन कोई अपॉइंटमेंट लेते हैं, और हम क्या करते हैं, पेशेंट को चेक करवाते हैं और मेडिसिन लेते हैं। तो एजुकेशन में भी ऐसा है कि हम कोई फिजिकली विजिट करने के बजाय हम कोई मॉक्स कोर्स ले लेते हैं, या फिर हम कोई ऑनलाइन डिग्री वगैरह अर्न कर लेते हैं। तो क्या इस किस्म के मामलों में बिग डेटा का यूज़ हो रहा है। सिमिलरली जो लर्नर्स के रिकॉग्निशंस हैं, या जो लर्नर का डेटा है उसको प्रोसेस किया जाता है, उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं या जो उसके लर्निंग मेथड है उसको डिटेक्ट किया जाता है कि ये बच्चा जो किस लर्निंग मेथोडोलॉजी से बिलोंग करता है, किस टेक्निक से वो बेहतर तौर पर समझ सकता है। तो जिस अंदाज से वो बेहतर तौर पे समझ सकता है, तो उसी अंदाज के मुताबिक हम उसको लेके चलते हैं। तो मॉक्स में इस्तेमाल हो रहा है, एकेडमिक्स में भी है, ऑनलाइन असेसमेंट्स की टेक्निक्स हैं, ऑनलाइन असेसमेंट्स अवेलेबल हैं, पैडागॉजी जो है वो क्रिएट की जा रही है, डिफरेंट किस्म के वीडियोज़ जो है वो जनरेट की जा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज जो एजुकेशनल है वो भी मैसिवली डिपेंड करता है बिग डेटा पे। इंडस्ट्री है, अगर इंडस्ट्री को हम देखें तो ये फोर्थ रिवोल्यूशन है इंडस्ट्री का। इंडस्ट्री डिपेंड करती है स्मार्ट डिवाइसेस पे, ये डिपेंड करती है इंटरनेट ऑफ थिंग पे, ये डिपेंड करती है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज पे। सिमिलरली अगर इतने सारे सेंसर्स हैं, इतने सारे डिवाइसेस हैं, इतने सारे कैमराज हैं, तो डेफिनेटली एक बिग डेटा जनरेट होगा। अगर बिग डेटा जनरेट होगा तो डेफिनेटली वी विल नीड सम सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज टू हैंडल दिस डेटा। और सिमिलरली इसी डेटा का इस्तेमाल करते हुए हम मुख्तलिफ किस्म के इंसाइट ले सकते हैं, हम किसी मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और ये जो मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशंस हैं इनका हम मुख्तलिफ तरीक़ाकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक कंपनी है, उसके मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन्स हैं, मिलियंस ऑफ पीपल या लोग हैं जो कि उनसे परचेज कर रहे थे, उनके सेल्स रिकॉर्ड्स वगैरह मौजूद हैं। तो
ये जो सेल्स रिकॉर्ड्स मौजूद हैं तो उनको देखा जा सकता है, उससे इंसाइट ली जा सकती है कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बेहतर सेल हो रहा है, कौन सा प्रोडक्ट जो है वो बेहतर सेल नहीं हो रहा, सीजनल प्रोडक्ट्स कैसे हैं और रीजनल प्रोडक्ट कैसे हैं। तो वो उन सारों का एनालिसिस करते हैं, कुछ इंसाइट लेते हैं और वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि उनके लिए हेल्पफुल हों, उनके लिए रेवेन्यू जनरेट करें या फिर उनके लिए बेहतर तौर पे एक 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 जो है वो रेवेन्यू जनरेट करें या एक बेहतर तौर पे कस्टमर को एंगेज कर सकें। तो आपने देखा कि इस वीडियो में हमने बहुत तफसील से डिस्कस किया, फर्स्ट ये कि बिग डेटा क्या है, और अगर हमसे कोई पूछता है कि बिग डेटा क्या है तो हम कैसे उसको आंसर कर सकते हैं 3 V's से, कि किस तरह 3 V's जो है वो बिग डेटा को डिफाइन करते हैं, वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी। तब हमने देखा कि जो बिग डेटा का इकोसिस्टम है, यानी कि वो इकोसिस्टम जहाँ पे टेक्नोलॉजीज, बिग डेटा, डेटाबेसेस एक्सेट्रा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं और एक ख़ास किस्म का इकोसिस्टम बनाती है बिग डेटा को स्टोर करने, प्रोसेस करने, कम्युनिकेट करने या फिर सिस्टम को इस काबिल बनाने के लिए वो बिग डेटा को चलाएं या बिग डेटा को स्टोर कर सकें। फिर हमने देखा था कि ये डेटा किस तरह जनरेट हो रहा है, जो एक्सपेक्टेड डिवाइसेस हैं 50 बिलियन और 75 बिलियन जो कि डेटा बेसिस सॉरी इंटरनेट से कनेक्ट होने वाले हैं और वो मैसिव डेटा जनरेट करेंगे। तो इसके अलावा हमने डिस्कस किया कुछ जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, बेसिक टेक्नोलॉजीज़ जो कि बिग डेटा को हमें इस काबिल बनाती कि हम बिग डेटा को प्रोसेस कर सकें। तो उसमें हडूप था, अपाची स्पार्क था, नोसीक्वल डेटाबेसेस हैं, उसमें डेटा वेयर हाउसिंग है, मशीन लर्निंग है, डेटा इंटीग्रेशन टूल्स हैं, उसमें स्ट्रीमिंग टूल्स आ जाती हैं, उसमें डेटा विजुलाइजेशन आ जाती है, उसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, एज कंप्यूटिंग है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, उसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसका हम इस्तेमाल करते हैं बिग डेटा को प्रोसेस करने के लिए, बिग डेटा को हैंडल करने के लिए, क्योंकि जब भी बिग डेटा की बात होती है तो हम ट्रेडिशनल वे से उसको हैंडल नहीं कर पाते, हम ट्रेडिशनल वे से उसको प्रोसेस नहीं कर पाते। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि किस किस्म के कंसर्न्स या चैलेंजेस हैं जो बिग डेटा के साथ हो सकती हैं। उसमें नेटवर्क कंजेशन है, बहुत ज़्यादा डेटा है, हाई डेफिनेशन वीडियोस जनरेट हो रही है, हाई डेफिनेशन फोटोज़ हैं, मुख्तलिफ किस्म का डेटा जनरेट हो रहा है, तो लाजमी बात हमारा नेटवर्क जो है वो कंजेस्ट होगा। स्पेशल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होंगे, कोई पर्टिकुलर एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड होगी, तो इसका मतलब ये है कि कोई ख़ास इंटरप्राइज लेवल पे तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसको कोई बड़ा सेटअप नहीं है तो वो उसको नहीं कर पाएगा। इसमें जब क्लाउड की तरफ डेटा लेके जाते हैं तो इसमें प्राइवेसी आ जाती है, इसमें सिक्योरिटी आ जाती है, एल्गोरिदम जो है वो बायस डिसीजन दे सकते हैं, बायस किस्म के इंसाइट्स दे सकते हैं जिस पर हम कोई बायस डिसीजन ले सकते हैं। उस डेटा का मिसयूज़ है, डिफरेंट साइबर लॉज है, एक मुल्क का डिफरेंट कानून है साइबर के लिए, दूसरा मुल्क का जो कानून है वो कुछ डिफरेंट है, तो वो इश्यूज बनाते हैं। इसके अलावा जो एक्यूरेसी है डेटा की, बिग डेटा की, वो भी एक्यूरेट नहीं है, यानी आप डिपेंड नहीं कर सकते इस पर पर्टिकुलरली कि कौन सा जो है वो बिग डेटा का रूल्स, बिग डेटा जो है वो एक्यूरेट है या नहीं है। उसके बाद हमने एप्लीकेशंस देखे कि हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, हर जगह पे इस्तेमाल है, स्मार्ट सिटीज, एजुकेशन, मीडिया, क्लाइमेट, अर्थ साइंस, सप्लाई चेन, ट्रांसपोर्ट, ऑटोनॉमस व्हीकल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट, इंडस्ट्री, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ केयर। तो ये बहुत डिटेल से हमने डिस्कस किया कि हेल्थ केयर में पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो टैली हेल्थ है, डिसीज रिकग्निशन सिस्टम है जो कि मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स हैं जो ट्रेन होते हैं। मार्केटिंग में हमने देखा कि हम एडवर्टीजमेंट के लिए हम किस तरह इसको यूज़ करते होते हैं। स्मार्ट सिटीज़ में आप देखेंगे स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट सिक्योरिटी, इसमें किस किस्म का किस तरीके से हम डेटा को अप्लाई करते हैं। मीडिया में हमने देखा कि कंटेंट प्रोडक्शंस है, सोशल मीडिया स्ट्रीमिंग में हम इसको यूज़ करते होते हैं, हम वेब एनालिटिक्स साथ साथ कर रहे होते हैं। साइबर सिक्योरिटी में हमने देखा कि जो थ्रेट इंटेलिजेंस है, जो थ्रेट इंटेलिजेंस के मॉडल्स हैं, मशीन लर्निंग मॉडल्स हैं,
तो हम किस तरह डेटा को यूज़ करते होते हैं, बिग डेटा को यूज़ करते हुए उसको ट्रेन कर सकते हैं। अर्थ साइंस में जियो स्पेशल एनालिटिक्स है, मैपिंग है, ओशनोग्राफी है, डिज़ास्टर प्रिडिक्शन या डिज़ास्टर वार्निंग सिस्टम है, बहुत मैसिवली यूज़ हो रहा होता है। ग्लेशियर्स का डेटा है, एटमोस्फेरिक डेटा है, उसके प्रोडिक्शंस हैं, वेदर प्रोडिक्शंस हैं, तो ये सारा डिपेंड कर रहा होता है बिग डेटा पे। एजुकेशन में देखें कि पर्सनलाइज्ड लर्निंग देखें, मॉक्स देख लें तो, या पेडागोजी या असेसमेंट्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस देख लें, तो ये सारा बिग डेटा पे डिपेंड हो रहा है। इंडस्ट्री, फोर्थ रिवोल्यूशन इंडस्ट्री है, तो स्मार्ट इंडस्ट्री है, स्मार्ट डिवाइसेस हैं, डेटा जनरेट कर रही हैं और हम ही उसी डेटा पे बार बार डिपेंड कर रहे हैं। तो एक डिटेल रिव्यू था बिग डेटा का, बिग डेटा एप्लीकेशंस का, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज का, उसके कंसर्न्स का, और मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर तौर पे इसको अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।